सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक चैनल बनाना चाहते हैं YouTube में तो इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है और आप किस तरीके से YouTube में अपना खुद का चैनल बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस मैं हूं नाजू और स्वागत है आपको स्टार क्रिएटर्स चैनल पे। सो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि हमने बताया था कि अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो गाइस जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया है ऑल मोबाइल जानकारी ने कि भाई हमने इस मेरा एक चैनल है जहां पर मैं बॉलीवुड सॉन्ग अपलोड करता था लेकिन उस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया है, अभी मैं चैनल का नाम भी चेंज कर दिया हूं और साथ साथ मैं कॉन्टेंट भी चेंज कर दिया हूं, तो मुझे जो है जिस वीडियो में कॉपीराइट कॉन्टेंट आया है वो डिलीट करना चाहिए या नहीं। तो भाई देखिए मैं सिंपल तरीके से आपको कहना चाहूंगा, देखिए जो वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है अगर वो वीडियो आपके चैनल पर रखेंगे, कभी भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है तो उस वीडियो में जो भी व्यूज आएगा और उस वीडियो से जो भी अर्निंग होगा वो आपको नहीं मिलने वाला, वो जिसका कंटेंट है उसके पास चला जाएगा पैसा। तो गाइस मैं आपसे भाई आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अपलोड किया भी है कॉपीराइट क्लेम भी आया है तो मेरे हिसाब से उस वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि उस वीडियो में आपको कोई फायदा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपका नुकसान है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा वीडियो को डिलीट कर दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है तो चलिए बताते हैं आज का नया हमारा टॉपिक जिसमें आप किस तरीके से YouTube में चैनल बना सकते हैं। तो सबसे पहले चैनल बनाने के लिए जो आपको चाहिए, एक तो चाहिए आपको एक 4G मोबाइल चाहिए जिसमें अच्छा खासा नेट चले और साथ साथ आपका मोबाइल कैमरा वीडियो भी अच्छे तरीके से शूट हो पाए। ठीक है एक मोबाइल की जरूरत है। दूसरा चाहिए आपको जीमेल आईडी क्या है, बहुत सारा भाई शायद नहीं जानते हैं और बहुत सारा भाई शायद जानते हैं, तो जीमेल आईडी में किस तरीके से बनाना पड़ता है वो भी आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और तीसरा चाहिए आपको एक मोबाइल नंबर फोन नंबर चाहिए, ये तीन आपको चाहिए, मोबाइल, दूसरा आपको जीमेल आईडी, तीसरा फोन नंबर। तो चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन से आपको बताता हूं कि किस तरीके से चैनल बनाया जा सकता है। सो गाइस चैनल बनाने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल अपने हाथ में ले लीजिए और आपका मोबाइल का डाटा ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आप सिंपली यहां पर आप सब कुछ देख सकते हैं, मैं बताऊंगा भी और यहां पर दिखाऊंगा भी। सबसे पहले आप अपना YouTube चैनल ओपन कर लीजिए, सॉरी चैनल नहीं YouTube जो है YouTube को ओपन कर लीजिए। और जब ओपन करेंगे अगर आपके पास पहले से जीमेल आईडी है तो यहां पर आप देख सकते हैं जब आप YouTube को ओपन करेंगे तो आपके राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरा है यहां पर मेरा फोटो लगा हुआ है, ये मेरा लोगो है चैनल का, जो चैनल से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं यही चैनल है ये। तो गाइस अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो वहां पर आपका जीमेल आईडी रहेगा, अगर आपके पास कोई जीमेल आईडी नहीं है, इससे पहले आपने जीमेल आईडी नहीं बनाया है तो वहां पर लिखा होगा साइन इन। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ऊपर कॉर्नर पे उसको टच करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने एक नया पेज आ गया है। और इसके बाद आपको करना क्या होगा, यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है यहां पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट नहीं आप क्लिक करेंगे तो भी चलेगा, क्लिक कर लीजिए तो आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा जीमेल आईडी है, तो आपका अगर जीमेल आईडी होगा तो इस तरीके से आपको दिखाएगा, एक होगा तो एक दिखाएगा, जैसे कि मेरा यहां पर 4-5 है तो मेरा 4-5 दिखा रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, नया जीमेल आईडी बनाने के लिए सबसे ऊपर में जो प्लस आइकन है उसको आप पेस्ट कर लीजिए और इसके बाद देखेंगे कि फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां पर नया पेज ओपन हो रहा है, तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर नया पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए फिर से एक नया पेज ओपन हो गया है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली सबसे नीचे आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट यहां पर लिखा है, यहां पर आप फिर से क्लिक कर लीजिए, मतलब इसको ओपन कर लीजिए और जब ओपन करेंगे आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर एक में लिखा है फॉर माई सेल्फ, नीचे में लिखा है टू मैनेज माई बिजनेस। तो मेरे हिसाब से आप ऊपर वाला ऑप्शन को चॉइस कर लीजिए फॉर माई सेल्फ। ओके इसके बाद आपके पास देखिए फिर से दो ऑप्शन आ गया है, एक फर्स्ट नेम और एक है लास्ट नेम। तो आप यहां पर अपना खुद का नाम आप लिख सकते हैं और नहीं तो आप जो आपका मर्जी हो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मर्जी नहीं, अगर आप किसी नाम से चैनल बनाना चाहते हैं तो उस नाम से भी आप अपना जीमेल आईडी बना सकते हैं। तो जैसे कि मेरा नाम है नाजमूल तो मैं नाजमूल से ओपन करने की कोशिश करूंगा, अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखना। ठीक है तो चलिए मैं लिख लेता हूं नाजमूल, और लास्ट नाम जैसे कि मेरा पूरा नाम है नाजमूल हुसैन तो मैं हुसैन लिख देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए यहां पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसको आप फिर से क्लिक कर लीजिए तो यहां पर देखेंगे फिर से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम चले जाते हैं मंथ में, वहां यहां पर जाके जैसे कि हमारा जनवरी में हुआ है तो जनवरी कर देते हैं, डेट है 10-10 कर देते हैं और हमारा ईयर है 1996 कर देते हैं। और जेंडर क्या करना है, अगर आप मेल तो मेल, अगर फीमेल तो फीमेल, तो हम मेल है तो मेल कर देते हैं। और फिर से देखिए नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर आपको दबाना पड़ेगा तो फिर से एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपको अच्छे तरीके से फ्लैप करना है, क्या लिखना है, जैसे कि हमने लिखा है नाजमूल हुसैन तो आपको यहां पर फिर से नाजमूल हुसैन को पूरा एक साथ लिखना है, ठीक है, पेज नहीं देना है। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर देख सकते हैं NAJMUL
HOSSAIN नजमुल हुसैन, इसके बाद @gmail.com तो लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। फिर से आपको नेक्स्ट करना है, तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है नजमुल हुसैन, इस नाम से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल NHO 9106, ये मुझे चॉइस करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे फिर से इसका नाम जो है चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम चेंज नहीं करेंगे, अगर आपको चेंज करना है, अगर ऐसा आता है तो आप चेंज कर सकते हैं, फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो हम इसी को कर लेते हैं क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए, तो नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है फिर से पासवर्ड मांग रहा है, तो जब आप जो भी पासवर्ड यहाँ पर आप देंगे, ये पासवर्ड आपको याद रखना है, भूल मत जाना, ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पासवर्ड जो आप अपना फोन नंबर यूज करते हैं उस नंबर से कर सकते हैं, या किसी नाम आपको बहुत अच्छा लगता है उस नाम से कर सकते हैं, आप अपना मर्जी से एक अच्छा खासा पासवर्ड दे देना जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, वो वाला पासवर्ड दे दीजिए। तो मैं अभी कर देता हूं नाजू पासवर्ड, और नीचे कॉन्फर्म करना पड़ेगा फिर से आपको NAJU नाजू, ठीक है, ये हो गया। फिर से मुझे क्या करना होगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो जब नेक्स्ट करेंगे तब आपका अकाउंट बिल्कुल रेडी होने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है येस, ये आपको येस करना पड़ेगा, और फिर से एक आपको ऑप्शन दिया जाएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट को फिर से नेक्स्ट करेंगे, ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल चैनल रेडी, और एक बार क्लिक करेंगे तो आई एग्री आपको करना पड़ेगा। जब एग्री कर देते हैं तो चैनल बिल्कुल आपका परफेक्ट रेडी होकर यूट्यूब ओपन हो जाएगा, ठीक है, नया जीमेल आईडी के साथ यहाँ पर हो रहा है गूगल सर्विस, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल काम चल रहा है। 2 से 3 सेकंड लाइट टाइम लगेगा, बिल्कुल आपका चैनल रेडी, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी काम चल रहा है। तो आप भी अपना खुद का एक चैनल बनाना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं चैनल रेडी, अभी यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड डांस, ठीक है, WWE कॉमेडी मूवी, हनी सिंह, ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली यहाँ पर देख सकते हैं नो थैंक्स कर दीजिए, नीचे एक ऑप्शन दिया गया है नो थैंक्स, तो यहाँ पर नया हमारा चैनल ओपन हो गया है। और ऊपर में देख सकते हैं जैसे कि हमने कौन से नाम से खोला, नजमुल हुसैन, तो ऊपर में कोने में आ गया है एन, मतलब नजमुल से शुरू हुआ है इसलिए एन दिखा रहा है। तो गाइस इस तरीके से हमारा चैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया है। अगर आप चाहते हैं इस अभी वीडियो अपलोड करना तो आप कर सकते हैं। तो वीडियो अपलोड किस तरीके से करेंगे, देखिए नॉर्मली अगर आप एक यूट्यूबर नहीं बनना चाहते हैं, ऐसे आप यूट्यूब में चैनल बना के अपने खुद का पर्सनल कुछ वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, कि कुछ वीडियो ऐसे शौक के लिए अगर अपलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये चैनल परफेक्ट है। अगर आप करना चाहते हैं जैसे कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो इस चैनल में आपको बहुत सारा सेटिंग भी करना पड़ता है, ठीक है, तो हम जो है इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, शॉर्टकट करके हम बताएंगे। अभी चैनल बनाना सिखाया, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो में हम कोशिश करेंगे चैनल को सेटिंग किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब अच्छी तरीके से जिस तरीके से हम बनाया है अपना चैनल को, जो भी सिखाया है अपने 3 साल या 2 साल के यूट्यूब चैनल में आके, वो मैं आपको बिल्कुल अपने दिल से खोल के सिखाऊंगा, ठीक है। इस चैनल पे आपको स्टार क्रिएटर्स बनाने की हम सोच रहे हैं, बिल्कुल जो भी वीडियो आएगा परफेक्ट तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट चैनल बन गया है, अभी इसमें किस तरीके से सेटिंग करना पड़ेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। गाइस अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक कर देना, और अगर चाहते हैं कि इस चैनल में आके नया नया वीडियो को सीखेंगे और एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद जय भारत।